गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का आखिरी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 68, पेज नंबर है 1.77, 2023 का एडिशन है, बुक है टीएस ग्रेवाल की। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस एग्जाम्पल के अंदर जो है वो बेसिकली एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है और फर्म के दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रही है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। और जो नया कॉन्सेप्ट इसमें ये आया है कि जो पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा है। इसको मैं हल्का सा आपको समझा दूं बच्चों कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, मान लीजिए एक पार्टनर ने कहा कि मेरी वजह से कम फर्म 2 लाख रुपए तो कमाएगी, और मान लीजिए फर्म ने उसकी वजह से सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही कमाए, तो कमी कितनी है? 50,000 की। वो अपने घर से लेके आएगा। एक घर से लाने का मतलब क्या है? उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे 50,000 रुपए से। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया, राइट? तो इसी क्वेश्चन को, इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल नंबर हम करते हैं 68। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास में 3 पार्टनर है, जय, विजय और करण, ओके। और जो इनका रेशियो है आपस में प्रॉफिट शेयरिंग, वो 2:2:1 का रेशियो है बच्चों। आगे कह रहा है कि इनकी पार्टनरशिप डीड है और उस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। सैलरी मिलेगी जी 15,000 जय और विजय को, ओके। तो यहां लिखते हैं सैलरी, जय को मिलेगी 15, विजय को मिलेगी 15,000 महीना, तो साल की कितनी हो गई? 1,80,000 रुपए की सैलरी जय की हो गई और 1,80,000 सैलरी जो है वो विजय की हो गई। आई होप आपको समझ में आया। हर महीने आपको 15,000 मिल रहे हैं तो साल भर में सैलरी कितनी बनी? 1,80,000, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि करण को गारंटी मिली है 5 लाख रुपए के कम से कम प्रॉफिट की, अच्छी बात है। तो करण को जो है वो गारंटी मिली है कितना? कम से कम 5 लाख का भाई प्रॉफिट तो तेरे को होगा ही होगा। कम हुआ तो देखते हैं किसने गारंटी दी है, या तो फर्म देगी या पार्टनर्स देंगे गारंटी उसको। आगे हमसे कह रहा है बच्चों, एंड विजय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। विजय ने, किसने? नहीं, जय ने हमको गारंटी दी है बच्चों कि इसकी वजह से कम 2 लाख रुपए फर्म को अर्निंग होगी ही होगी। अगर सर कम हुई तो छीन लेंगे इससे, इसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे जितना कम कमा के देगा, तो इसने गारंटी दी है मतलब। आगे कह रहा है कि एनी डिफिशियंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये बोल रहा है कि जो गारंटी दी है 5 लाख रुपए की किसको? करण को। अगर इसमें कुछ भी कमी आई तो वो भुगतेंगे जय और विजय। किस रेशियो में भुगतेंगे उसको? 3:2 के रेशियो में उसको पे ऑफ करेंगे, ऐसा कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2018, जय अर्न्ड फीस ओनली 1,75,000 रुपीज। इस जय ने कहा था भाई 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, पर कमा के इसने कितने रुपए दिए? केवल 1,75,000। कितना कम पड़ गया साहब? 25,000 कम पड़ गया। इससे हम इसकी कैपिटल को कम कर देंगे, इससे छीन लेंगे 25,000 रुपए, है ना। आगे क्या कह रहा है? जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को टोटल मिलाकर, फर्म का प्रॉफिट जो है वो है 15 लाख रुपीज का, राइट? तो 15 लाख रुपए का मुनाफा जो है वो फर्म को हुआ है टोटल मिला के। क्या चाहता है? ये चाहता है शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ जय, विजय एंड करण। भैया पूरा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो बोल रहा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बनाकर दो इसको, और इसको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दो, और क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोल रहा, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो है बच्चों बनाते हैं इसका क्या, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है सर। कितने रुपए का है बच्चों? 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है ना, तो यहां पे नेट प्रॉफिट आ गया। क्या ड्रॉइंग्स वगैरह कुछ है क्या? नहीं सर, ड्रॉइंग्स तो है ही नहीं, तो ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। यहां आ जाते हैं, क्या कहीं पर उसने IOC के बारे में बात की क्या? क्या कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? कहीं पर भी IOC की बात नहीं हुई। क्या कोई सैलरी की बात हुई क्या? हाँ जी, सैलरी की बात हुई है, जय को सैलरी मिलेगी,
जैज सैलरी, और जो विजय को भी सैलरी मिलेगी, तो विजय सैलरी वो यहाँ पे दिखा दीजिएगा आप। दोनों को सैलरी मिल रही है कितनी, 15,000 महीना, यानी साल की कितनी हो गई, 1,80,000 रुपए की सैलरी इनकी साल भर की हो गई। इसके बाद कोई बोनस है क्या, नहीं है। कोई कमीशन है क्या, नहीं है। कुछ नहीं है इसके अलावा। तो बस अब जो बचेगा वो प्रॉफिट वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हमको कर देना है। लेकिन यहां पर जो गारंटी की बात है, जो कि किसको मिलती है, 5 लाख की गारंटी थी, वो अगर कुछ कमी उसमें आई तो कौन देगा, फर्म नहीं देगी, वो पार्टनर्स भुगतेंगे। तो पहले एक काम करो, जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है उसको सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड कर दो, फिर जो कमी पेशी होगी वो आपस में कर लेंगे। तो ठीक है, यहां लिख दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा लिख दीजिएगा। और यहां पे पार्टनर्स जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं, यहां पे हमारे पास जय है, विजय है और करण हमारे पास में पार्टनर है बच्चों। लेकिन बच्चों जो गारंटी थी वो ना केवल यहाँ पर फर्म ने किसी को दी थी बल्कि फर्म को भी मिली थी, राइट। तो यहाँ पर जो है हमने पीछे देखा था बच्चों कि यहाँ पर जय ने गारंटी दी थी 2 लाख रुपए की, लेकिन उसने केवल 1,75,000 रुपए ही कमा कर दिए। तो 25,000 रुपए जो है वो कम पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे 25,000 रुपए यहाँ पे छीन लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय जैस कैपिटल, कितना अमाउंट, 25,000 का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो टोटल जो फर्म ने अर्न किया वो किया 15,25,000 रुपए का, और फर्म ने जो बच्चों यहाँ पर 1,80,000 रुपए सैलरी जय को और विजय को भी 1,80,000 सैलरी दी। इसका मतलब 15,25,000 में से 3,60,000 रुपए गए, तो आपके पास में रिमेनिंग प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 11,65,000 रुपए का आपके पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। और इसको जो है अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, तो जो भी पार्टनर्स है उनमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जय है, विजय है और करण हमारे पास में 3 पार्टनर है बच्चों। और हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था, 11,65,000 रुपए का हमारे पास में डिविजिबल प्रॉफिट आया है। उसको हम लोग यहाँ तीनों पार्टनर में लिख देते हैं। इसके बाद इनका रेशियो कितना बच्चों, इनका रेशियो है 2:2:1, तो इसका हो जाएगा 2/5, 2/5 और 1/5। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अब हम लोग। कलर एक बार यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ ताकि अलग से दिखे। ये 11,65,000 × 2/5 करेंगे तो ये आएगा 4,66,000 बच्चों। इसका भी इतना ही आएगा 4,66,000, और इसका कितना आएगा वो देख लेते हैं बच्चों। इसका आएगा 2,33,000 बच्चों। अब एक बात समझिएगा, जो करण जी भाई साहब है इनको गारंटी मिली थी कितने रुपए की, 5 लाख की, है ना। कितना कम पड़ रहा है 5 लाख में से बच्चों, अगर इसको हम लेस करें 5 लाख में से कम पड़ रहा है 2,67,000। इस 2,67,000 को कौन भुगतेगा, जय और विजय भुगतेंगे 3:2 के रेशो में। आइए निकाल लेते हैं वो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय जय, ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय जय। तो ऐसे आ जाएगा इसमें 2 लाख कितना है, 67,000 × 3/5 कर देंगे। और यहां पर जो विजय कितना करेगा, तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय विजय कितना, 267 × 2/5 कर देंगे बच्चों। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो 267 × 3/5 ये देगा बच्चों 1,60,200, 1,60,200, और जो है ये देगा 267 × 2/5 बच्चों, ये देगा 1,06,800, दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी एटलेस कर सकते हैं और चाहे तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर भी एटलेस कर सकते हैं, मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये देगा, तो हो जाएगा लेस डेफिशिएंसी इन गारंटीड अमाउंट, इन गारंटीड अमाउंट या गारंटीड प्रॉफिट कितने रुपए का, ये कितना दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है 1,60,200, तो वो लेस कर लो इसमें से 1,60,200। एक बार अमाउंट कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, 1,60,200 आ रहा है ना, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, कोई नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं,
160,200 जो बचेगा ये इसका रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा, और जो विजय है वो भी दे रहा है, तो यहां डेफिशिएंसी इन प्रॉफिट ऑफ करण है ना, ऑफ करण लिख दीजिएगा इसके आगे। कितना दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है हमको यहां पर 106,800, तो ये हो जाएगा 106,800, इसका अमाउंट भी लिख देंगे यहां पर, और यहां पर हम ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी मेट बाय जय एंड विजय, ये लिख देंगे। तो जो बाकी का 267 है वो उन दोनों ने मिलकर इसको दे दिया, तो इसका तो हो जाएगा 5,00,000 रुपए, इसमें कुछ भी एडलेस नहीं करना। इन दोनों का देख लो तो 4,60,000 में लेस करेंगे हम लोग 1,60,200, तो इसका आएगा 3,05,800 का अमाउंट इसका आ जाएगा। और विजय की बात करें 4,66,000 में से लेस करेंगे 106,800, तो ये आएगा 3,59,200 का अमाउंट बच्चों यहां पर। बस अब इन फिगर्स को हमको क्या करना है, इनको हमको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देना है। तो ये कितना आया 305,800, तो इसका हो जाएगा 305,800। विजय की अगर बात करें तो विजय का कितना हो गया, विजय का हो गया बच्चों 359,200, तो यहां आ जाएगा 359,200, इसका तो 5,00,000 होना ही था, तो पूरा अमाउंट जोड़ के हम लोग यहां पे दिखा देंगे, टोटल हो गया हमारे पास में 15,25,000 बच्चों, दैट्स इट। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ये हमारे पास जो है पार्टनर्स का फर्म का जो है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब वो चाहता है कि इससे हम लोग क्या करें, उसके लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दे, तो चलिए बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हमारे पास फॉर्मेट है क्या, फॉर्मेट है, लेकिन 3 पार्टनर है हमारे पास में, तो ये फॉर्मेट काम नहीं करेगा, मुझे वापस से पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर है ना, तो यहाँ पर 3 कॉलम हमको बनाने होंगे। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला पार्टनर हमारे पास में यहाँ पे जय विजय करण है, तो ये इसका हो गया, ये विजय का हो गया, और ये जय का हो गया। इसके अलावा ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, फिर यहाँ पे करण का हो गया, विजय का कॉलम हो गया, और ये जय का कॉलम हो गया। ठीक है बच्चों, नाम लिख दीजिएगा इनका इसके अंदर, ये जय है, ये विजय है, ये करण है, जय विजय करण, ये बन जाएगा पर्टिकुलर्स। आप लोग जानते हो ये साइड होती है एक्सपेंस साइड यानी डेबिट साइड, ये होती है इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल का लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। क्या उसने पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मुझे कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, क्या उसने कहीं पर भी कैपिटल का बैलेंस हमको नहीं दे रखा है बच्चों, नहीं दे रखा, तो यहाँ पर डैश कर दीजिएगा। इसके बाद किसी पार्टनर को क्या सैलरी मिली थी क्या, हाँ जी सैलरी मिली थी, सैलरी जो मिली थी बच्चों वो जय और विजय को मिली थी 1,80,000 रुपये की, 1,80,000 रुपये की, और करण को कोई सैलरी नहीं मिली थी बच्चों। कोई बोनस कोई कमीशन था क्या, कोई कमीशन कोई बोनस नहीं था। प्रॉफिट हुआ था क्या, हाँ जी प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से आ जाएगा बच्चों। और प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 3,05,800 रुपये, 3,05,800 जय का हुआ था बच्चों, और विजय का कितना हुआ था 3,59,200, तो विजय का हुआ था 3,59,200, और इसका तो खैर 5,00,000 होना ही था। इसके अलावा बच्चों जो है हमने कुछ अमाउंट लिया था जैसे इसके कैपिटल डेबिट हो गए थे यहाँ पर, कितने से 25,000 से, तो वो अमाउंट इधर आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे टू जैस कैपिटल। अभी जैस कैपिटल नहीं आएगा, ये किस नाम से आएगा, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एंट्री ऐसे ही बनेगी ना वहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एंट्री समझ में नहीं आई, तो समझ लो पहले मैं अमाउंट लिख दूँ यहाँ पे 25,000 का जय के कॉलम में, क्योंकि गारंटी हमको जय ने दी थी ना यहाँ पर, तो
तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, जेएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000 रुपए से। तो हमने यहां पर ये एंट्री बना दी 25,000 से। अब इसके अलावा कुछ और है क्या? इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसकी एंट्री हो गई, एंट्री हो गई, दो की एंट्री हो गई, सारी एंट्री पास हो गई। बस अब जो इनका बनेगा वो इनका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, यहां पे आ जाएगा इनका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। टोटल लगा लीजिएगा बच्चों यहां पर, चलो टोटल करते हैं एक बार कितना आ रहा है यहां पे। सबसे पहले हम लोग जय की बात कर लेते हैं, 1,80,000 रुपए की सैलरी बनती है और 3,05,800 का प्रॉफिट हो गया। टोटल मिला के 4,85,800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 25,000 रुपए कम हो गए गारंटी की वजह से। तो टोटल इसकी सैलरी बनेगी अब 4,60,800 रुपीज की, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं विजय के बारे में। 1,80,000 रुपए सैलरी के रूप में कमाए, 3,59,200 रुपीज जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो 5,39,200 रुपीज की टोटल इसको इनकम हुई और कुछ भी एक्सपेंस नहीं हुआ। तो यही इसकी जो है वो क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी 5,39,200 रुपीज़ की। ऐसे ही बात करते हैं करंट के बारे में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि वो तो 5,00,000 रुपए हो गया, इसमें कुछ भी एटलेस नहीं है। ना तो इसने कुछ यहाँ पर खर्च किया, इतना कमा लिया, और ना कोई खर्च किया, तो यहाँ पर जो हो गया 5,00,000 रुपीज़ हो गया। टोटल लगा दीजिएगा 485,800 का इसका हो जाएगा और 5,39,200 जो है विजय का बन जाएगा और इसका तो 5,00,000 रुपए आना ही था बच्चों। तो बच्चों ये हमने आखिरी एग्जांपल किया है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का बच्चों, और इस लास्ट एग्जांपल में कुछ भी नहीं था सिवाय एक नए पॉइंट के कि जो एक पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा था, और अगर मान लीजिए वो गारंटी का जितना अमाउंट उसने गारंटी दी है पूरा अमाउंट नहीं कमा के दे पा रहा, तो जितना अमाउंट कम पड़ रहा था वो फर्म उसे छीन रही थी, मतलब उसके कैपिटल को कम करके डेबिट कर रही थी बच्चों, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आई बिलीव बच्चों कि आपको सारे एग्जाम्पल जितने हमने किए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। और बच्चों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा पूरे दोस्तों के अंदर, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।